कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना दंडित करना मारना। वो इन चौपाइयों को रामचरितमानस से निकलवाना चाहते हैं, इसको रामचरितमानस से निकाली जाए तभी ये विरोध प्रदर्शन शांत होगा, नहीं तो ऐसे विरोध प्रदर्शन जगह जगह होंगे। के रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। एक तरफ सपा के बड़े नेता हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान का जमकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है। मुगल काल में लिखी गई ये रामचरितमानस आज के आधुनिक युग में राजनीति का एक विषय बन चुकी है। आज इसी को जानने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि रामचरितमानस पर सपा नेता के दिए बयान के बारे में आखिर ये महिलाएं क्या कहती हैं। आज हमारे साथ बीजेपी की नेता वैशाली तोमर मौजूद हैं। मैम, रामचरितमानस पर सपा नेता ने बयान दिया है और उसकी प्रतियां भी जलाई गई हैं कल। जी बिल्कुल, पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने इतना अच्छा विषय आपने लिया है कि जो हमारे धर्म के साथ, हमारे हिंदू धर्म के साथ, हमारे हम सब हिंदू सनातन जो लोग हैं, हमारा हिंदुस्तान है, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करा गया है। और इतने बड़े राजनेता की इस तरह की हरकत, उनकी परवरिश, उनकी मानसिकता कि उनकी मानसिकता कितनी खराब हो चुकी है ये सामने आया है। और अखिलेश यादव जी हमारे सूबे के मुखिया रहे हैं, हम सब ने उन्हें वोट किया है किसी समय, युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने आज लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आज उन लोगों ने, जिन लोगों ने उनका चुनाव किया था मुख्यमंत्री के लिए, वो सब शर्मसार हैं कि ऐसे व्यक्ति को वो राष्ट्रीय नेतृत्व घोषित कर रहे हैं। तो बहुत दुख का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है कि इतनी संकीर्ण मानसिकता के जो लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे ही धर्म का अपमान करते हैं, तो बहुत ही उनको इसके लिए मेरे हिसाब से तो उनके परिवार के जो व्यक्ति होंगे वो भी उनकी इस बात पर शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे। तो मैम, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि क्या योगी जी इन चौपाइयों को बोल सकते हैं? ऐसा कुछ भी हमारे धर्म में नहीं है जिसको योगी जी क्या हमारे प्रत्येक धर्म का नागरिक ना बोल सके। ये सिर्फ और सिर्फ रामायण की एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तई वैसी। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो उस तरह का उन शब्दों का अर्थ निकाल लेता है, वो ताड़ना की बात करते हैं। अगर किसी की बुद्धि सकारात्मकता है, किसी की बुद्धि में पॉजिटिविटी है, तो उसको वो ये भी रख सकता है कि नारी पशु शूद्र जो कहा गया है ताड़ना के अधिकारी, वो ताड़ना को ये भी ले सकते हैं। उसको पॉजिटिविटी अगर देखी जाए तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि उन दिनों किस चीज़ से हमें उन्हें आजाद करना है, किस चीज से आजाद करना है, अशिक्षा जो उस समय फैली हुई थी उससे आजाद करना है, हम जो महिलाएं उस समय थी साहस की कमी थी उससे आजाद करना है, जिस तरह की महिलाओं ने जन्म लिया उस तरह उन्हें प्रेरित करना है। तो ये तो अपनी अपनी सोच का विषय होता है कि कौन किस तरह की चौपाई पे या किस तरह के वाक्य पे किस तरह का अपना विचार प्रकट करता है। और ये भी सच है कि ये जो चौपाई थी वो समुद्र जी ने कही थी, श्री राम भगवान ने या तुलसीदास जी ने नहीं कहा था, उन्होंने सही से पढ़ा ही नहीं है। इस तरह से उनको सबसे पहले उन्हीं से ये पूछिए कि क्या उन्होंने रामायण को सही तरीके से पढ़ा है। पहले आप उनसे पूछिए कि उन्होंने रामायण को अगर पढ़ा है तो वो इस तरह की बात कर ही नहीं सकते। उनकी जो बेटी है वो बीजेपी में लोकसभा सांसद है, आज मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं कि वो भी अपने पिता की इस हरकत पर शर्मसार होंगी। हमारे साथ कुछ और महिलाएं मौजूद हैं यहाँ। मैम, अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने रामचरितमानस के पन्ने जलाए हैं कल, ये बहुत ही बुरी घटना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस भारत की धार्मिक पुस्तक है और उसके विरोध में कुछ भी किया जाए तो वो हमारी आस्था के विरोध में होगा। और जैसा हम जानते हैं कि भारत जो है बहुत सारे भाषाओं का संगम है भारत में, और ये भी है कि रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है और वहाँ ताड़ना का अर्थ समझना परखना होता है। तो ये जो चौपाई है ये उस समय कही गई और ये समुद्र के द्वारा कही गई है, जिस समय भगवान राम लंका तक जाने के लिए रास्ता मांग रहे थे समुद्र से, तब समुद्र को
बहुत बार राम जी के याचना करने पर भी समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। तब राम जी ने बोला कि मैं धनुष उठाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी छाती चीर दूंगा। तो उस पर तब जो समुद्र है वो डर करके बोला, प्रभु आपने मुझे सही बुद्धि दी। और तब उसने ये चौपाई बोली कि शूद्र गवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब हम जो है हमें समझने और समझाने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। यहाँ पर कहीं ये अवधि भाषा में ताड़ना कही गई है, ये कहीं भी प्रताड़ित या ताड़ना जो हिंदी का शब्द है उससे संबंधित नहीं है, प्रताड़ना से संबंधित नहीं है। लेकिन रामचरितमानस की तो चौपाइयों को हटाने की मांग कर रहे हैं। हम तो उसका बहुत विरोध करेंगे। आप पहले उसके रामचरितमानस को कहिए उनसे चार पांच बार पढ़ें, उसको समझें कि उसका मायने क्या निकलता है, तब कहें। हिंदू धर्म के हैं आप, फिर आप उसका वैसे जला रहे हैं, तो पूरा डुबो रहे हैं और क्लेश आदि को डुबो रहे हैं उनका। अभी डूबे थे ना उनके पिता के समय, ऐसे जब राम मंदिर के लिए हुआ था ऐसे इनका भी कुछ नैया डुबाएंगे अकेले से यादव का ऐसे ही भाषण देके। तो मतलब आप मानते हैं कि रामचरितमानस में जो लिखी चौपाइयां हैं ये सही है? रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयां हैं सारी की सारी वन टू ऑल सही हैं। इनको जो भी कोई गलत कह रहा है वही सही नहीं है। गलत तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हमारे वो विद्वान लोग हैं पढ़े लिखे, वो ABCD नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस के अलावा और जो तुम्हारी भागवत वगैरह है वो तो पढ़ी लिखी है ना है। और उनके जमाने में सुखदेव भी रहे हैं, आत्माराम जैसे विद्वान रहे हैं, क्या वो गलत शिक्षा देंगे उन लोगों को? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो रामचरितमानस जलाई जा रही है। जलाई जाती है, मैं तो कहती रामचरितमानस के साथ जो ही कह रहे हैं उनको जला जा रहा है। कि वो अपने यहाँ हर जगह अखंड रामायण कराएं और फिर एक एक चौपाई को ध्यान से समझें और पढ़ें, तब उनको पता चलेगा कि वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, कि ये हमको चौपाई हटानी चाहिए कि नहीं हटानी चाहिए। उसका अर्थ समझे ना कि क्यों, उसका अर्थ समझे। जब वो अपने यहाँ ये अखंड रामायण रखेंगे तो उनको जब एक शब्द को सुनेंगे तब उनको पता चलेगा कि चौपाई को हटानी नहीं चाहिए। तो चौपाई सही है, मतलब ना सही चौपाई बिल्कुल सही, गलत नहीं है राजनीति चल रही है उस पर क्या कहती है? गलत है, ये गलत बात है जो ये सब हो रहा है। तो बोलने वाला समझ के बोलना चाहिए, ये गलत बात है। इसको जलाया है तो ब्रह्मों में डाल दिया सबको। जो पिछली कहावत है वो सही है, तो अब आगे जो हो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है, तो ये सब करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम तो लाएंगे ना, कोई काम में प्रॉब्लम लाएंगे, यही सब तो करेंगे जी। राम वेद मार कुछ और कुछ खोज के लाएंगे, वेद पुराण से पहले समझो तो वेद पुराण को तो मालूम तो है नहीं। 2024 के चुनावों में ये कुछ मायने रखेगा? रामचरितमानस पर ये बवाल कर रहे हैं। 2024 के चुनावों में मायने रखेगा ये बिल्कुल ही, जैसे कांग्रेस इस इन तरह की हरकतों से साफ हो गई है राजनीति से, आप देखिए तो ये भी अपनी हरकतों से साफ हो जाएंगी, क्योंकि जैसी करनी हो जाती है वैसा ही भाग्य का निर्माण हो जाता है। तो ये तो खुद ब खुद अपने आप को साफ कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके धर्म के प्रति इस तरह की हरकतें की जाए। तो ये तो अपने आप को खुद ही खराब कर रहे हैं। अब तो लोगों को चुनाव करने के लिए नारे करने के लिए अब तो जरूरत ही नहीं है, इन्होंने अपने आप को ही राजनीति से साफ कर दिया इस तरह की हरकतें करके। क्योंकि हम हिंदू, ये हमारा हिंदुस्तान जो है, ये हिंदू जाति जो है, बेशक किसी को थोड़े लालच में आकर इन लोगों को वोट जरूर दे दे, लेकिन फिर भी अपने धर्म के साथ खड़ी है, अपने धर्म पर गौरवान्वित है। ऐसे लोगों को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि दोबारा सत्ता में आने नहीं देगी। तो मैम स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये कहते हैं कि महिलाओं का अपमान करती है रामचरितमानस की ये चौपाइयां। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने बड़े नेता रहे हैं, मैं तो खैर उनको क्या बोलूं, लेकिन मेरा उनसे अनुरोध है कि हमारे डिंपल यादव जी की जब रैली हुई थी आप सबने भी देखा कि सपा के लोगों ने किस तरह से उन्होंने कहा बार बार कि मैं भैया से बताऊंगी जाकर आप इस तरह की हरकतें मेरे साथ मत कीजिए, और वो रैली भी नहीं पूरी कर पाई और रैली बीच में छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। तो
में इस तरह के लोग थे, आज पहले भी रहे हैं, रामायण काल में भी रहे हैं, आदि कालों से भी चलते आ रहे हैं, राम जैसे भी रहे हैं और रावण जैसे भी रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं जो सपा जैसे लोग हैं अपनी महिलाओं को, अपनी जो राजनीति में है उन्हें ही सम्मान नहीं दे पा रहे, तो वो महिलाओं के सम्मान के विषय में क्या बातें कहेंगे, क्या कह सकते हैं वो महिलाओं के सम्मान के विषय में, जिन्हें खुद अपनी सत्ता में जो महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रहे, इवन जो उनकी नेता है जो नेतृत्व कर रही है वो ही खुद उनसे परेशान है, रैली में सामने नहीं आ सकती है, तो और महिलाओं को वो क्या सम्मान देंगे। महिलाओं को सम्मान देने वाली जो सरकार है वही महिलाओं का अपमान कर रही है, ये बात चल रही है ना। देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव के लिए कोई नई बात तो है नहीं है, वो एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए हिंदू धर्म पे ऐसी थोड़ी थोड़ी चोटें करते रहते हैं, हर थोड़े दिनों बाद आता रहता है, कोई नई बात नहीं है। बाकी रही बात चौपाई को हटाने की या जलाने की, तो ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसके वो जला रहे हैं और उसको वो उठाते हैं, उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं। जो रोज बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के साथ, इतने गंदे काम हो रहे हैं, रोडों पर गाड़ियों से खच्ची चढ़ जा रहा है, वो सब अखिलेश को गलत नहीं लग रहा है? जो यही गलत लगा कि चौपाई में क्या लिखा है, जब हमारे इतने पुराने ग्रंथ हैं और हमारे इतने इतने वेद शास्त्र सब लिख के चले गए हमारे पुरखे, तो वो आज गलत हो गए। इसका बात था जब मुलायम सिंह हिंदी इसमें यूपी में तो उसने गुंडा राज कर दिया था, अब ये भी वही करना चाहता है हमारे यहाँ, क्यों? मैं यूपी की रहने वाली हूँ, मैंने वो सब झेला है जब हम स्कूल में जाते थे वहां। तो ये बताओ इन्होंने अच्छा क्या किया, ना इसके बाप ने किया ना ये करेगा, तो ये अच्छी सोच भी नहीं सकता ये लोग तो। और इतने सालों बाद जो है मैम रामचरित, इतने सालों बाद रामचरितमानस की चौपाइयां हटाने की बात की जा रही है, इससे पहले तो कभी भी सरकार ने कोई ऐसी बात नहीं की। ये सब जो भी हो रहा है वो सब बिल्कुल गलत हो रहा है, और हमारी जो धार्मिक आस्था है उससे खिलवाड़ हो रही है। ये हिंदू धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, हमारे पास है जो हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। यहाँ पर और भी कुछ महिलाएं हैं मैम, कुछ नहीं, सपा जो है रामचरितमानस की चौपाइयां हटाने के लिए कह रही है। अब सपा का एक सवाल है कि जो मोदी सरकार है वो जगहों के नाम बदल रही है, अभी हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, तो रामचरितमानस की चौपाइयां क्यों नहीं हटा देती? जो मोदी सरकार ही उन्हें खराब लग रही है, जो बीजेपी आई है ना उन्हें यही अंदर से ये खराब लग रहा है कि हमारी सरकार कैसे हट गई। अब इस चक्कर में जो है वो कुछ भी बोल सकते, जो धार्मिक चीज है हमारी सदियों से चली आई है उसको ही वो गलत बोलने लगे, उस ग्रंथ को इन्होंने गलत कर दिया। जो चौपाई है जो हमारी कब से चली आई है, रामायण कितनी पुरानी है, उसको इन्होंने गलत बोल दिया। तो ये तो बस उनकी राजनीति है और कुछ नहीं है, राजनीति है। लेकिन मैम सपा तो ये भी कहती है ना कि लगातार आप जैसे अभी हाल ही में हम देखेंगे कि मुगल गार्डन का नाम बदल दिया, इससे पहले इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, तो अब कुछ लोग इस मामले में ये भी कह रहे हैं कि फिर चौपाइयां बदलने में क्या बुराई है? चौपाइयां क्यों बदलना चाहते हैं वो? पहले अपने बच्चों का नाम बदल, अपने बच्चों का नाम बदल के कुछ और रखें। अखिलेश यादव जी अपना नाम बदल कर कोई ऐसा नाम रख ले, मुगल गार्डन ही रख ले, अगर नाम का महत्व नहीं होता तो मुगल गार्डन अपना नाम रख ले, या जिसने भी ये विरोध उठाया वो पहले अपना नाम बदले, अपने बच्चों का नाम बदले। नाम का महत्व होता है, इसलिए मोदी जी सही कर रहे हैं। क्यों, आखिर उनको आपत्ति क्या है? यही नाम लोग था, वहाँ नाम वही था, यही लोग हैं, यही लोग हैं जिन्होंने हिंदू जाति को बार बार शर्मिंदा कर किया है, और इन्हीं लोगों की वजह से हम जो हमारा जो ये देश है जो गौरवान्वित है जिसकी संस्कृति को बाहर तक फॉलो किया जा रहा है, इन्हीं लोगों की वजह से हम कमजोर पड़ जाते हैं। अपने ही लोग जब खराब हो तो किसी को क्या कह सकते हैं? इन्हीं की वजह से गोलियां चली थी ना, तो आप मतलब महिला है लेकिन चौपाइयों का पूरा समर्थन करती है, पढ़ती हैं फिर चौपाइयों को? हम पढ़ते हैं और अपने हिंदू धर्म का हम समर्थन करते हैं, और सही सही मायने में जितनी भी आज महिलाएं आप देख रहे हैं बैठी हैं और बाहर भी हैं, वो सभी ये विरोध कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये तो कह नहीं रही है क्योंकि घरेलू महिलाएं हैं, अदरवाइज तो इतनी दुखित है, इतनी अंदर से अनुभव है कि किस तरह से हमारे देश में हमारे ही देश का खाते हैं और हमारे ही धर्म को नाम रखते हैं, तो ऐसे लोगों को तो देश में रहने का भी अधिकार नहीं। तो वो वाली बात हो गई, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, है हम अपने सनातन धर्म से पीछे कैसे हट सकते हैं, कैसे किसी को आगे बढ़ने देंगे, है हमारे देश में रह के हमारा ही खाके और हमारे ही ग्रंथों के को अपमानित कर रहे हैं, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? तो विरोध करती है ना आपकी रामचरित,
क्यों नहीं करेंगे, विरोध तो करेंगे, हम भी करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे, हम तो करेंगे, हम भी रोड पर आ जाएंगे भाई, हम भी नाराबाजी करेंगे। अगर हमारे सनातन धर्म को अगर कोई ठेस पहुंचती है तो हम सबसे आगे रहेंगे। और जो भी ये सब हो रहा है वोट बाजी के लिए जात पात का बंटवारा किया जा रहा और कुछ ऐसा नहीं है, ये तो इनको एक सूत्र मिल गया है, एक आधार मिल गया कि भाई जनता को किस तरह बांटा जाए, और कुछ नहीं है। रामचरितमानस आज ही लिखा हुआ है, जब राम पैदा नहीं हुए थे जब से पहले लिखा हुआ, तो फिर आज कैसे विरोध हो रहा है? मुलायम सिंह ने कब क्यों नहीं किया? इनके पुरखे के पुरखे कितने लोग आए यार, कितने चले गए, किसी को ये चौपाई जब याद नहीं आई, जो आज ही आ रही है इनको याद नहीं। तो इनको थोड़ा सा अगर हिंदू धर्म पर कोई ठेस पहुंचती है हमारे सनातन धर्म पर, तो भाई हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे और पक्का विरोध करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद रामचरितमानस पर छिड़ी ये बहस आखिर कब खत्म होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।